क्वेश्चन नंबर 9 है जी, ये आपका अक्टूबर नवंबर 15, 22 में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल ये ओ लेवल्स में आया हुआ है। चैप्टर हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है और अक्टूबर नवंबर 15, 22 वेरिएंट है। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वॉज टेकन फ्रॉम द अबिज कैश बुक ऑन 30 सितंबर 2015। कैश बुक दी हुई है आपको, बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, उसके अलावा डेबिट साइड पर अमाउंट लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखी हुई है और आपको कैरिड डाउन बैलेंस कैरिड डाउन भी दिया हुआ है, जो कि नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 705 ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। इट मींस कि आप सितंबर की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आप सितंबर की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको सितंबर का एंडिंग बैलेंस चाहिए, यानी आपको सितंबर 30 सितंबर का बैलेंस चाहिए जिसको लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ताकि आप पहले कैश बुक को करेक्ट करेंगे उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आप बैंक की गलतियों को करेक्ट करेंगे। तो कैश बुक के एंडिंग बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 705 का। दूसरी बात यह है कि कैश बुक में सिर्फ आती है रिसीट्स और पेमेंट्स, और रिसीट्स और पेमेंट्स गलती किसकी होती है? कैश बुक की। और एनपी और एनसी गलती किसकी होती है? बैंक स्टेटमेंट मिस्टेक कहलाती है वो। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। और जो गलती होती है आपकी बैंक की, यानी जो बैंक की गलतियां होती हैं वो बैंक स्टेटमेंट किस मिस्टेक खिलाती हैं, और वो एनपी और एनसी होते हैं, यानी वो चीजें जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गई हैं लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको इस चीज को जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको डबल बैलेंस मेथड भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक कर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट वाले अपने एरर्स ठीक कर लेते हैं। इसको हम डबल बैलेंस मेथड भी बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। मैं समझाता हूं कि डबल बैलेंस मेथड क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और ये कैसे फर्क है पिछले मेथड से। सबसे पहले तो हम यहां बनाएंगे जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, यानी कि आई हैव टू प्रिपेयर रिवाइज कैश बुक। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कैश बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वी आर ओनली कंसर्न विद द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बिकॉज इट हैज थ्री कॉलम्स, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। बट फॉर दिस चैप्टर वी आर ओनली कंसर्न विद द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और उसको हम ठीक करते हैं और उसको हम करेक्ट करते हैं। और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में सेम होना चाहिए, और अगर ये बैलेंस आपस में सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि किसी न किसी पार्टी ने गलती की है, और उस गलती को ठीक करने के लिए हमें बनानी पड़ती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। थोड़े गलत हो गए, नेवर माइंड, फर्क नहीं पड़ता इतना उससे, तो वो हम बनाएंगे जो कि बाद में बननी है, ऑब्वियसली बात है। पहले हम पिछले चैप्टर्स के अंदर जो इसका एंडिंग बैलेंस निकलता था कैश बुक का, उससे हम स्टार्ट करते थे। हम उसको यहां लिख लेते थे, बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी बैलेंस आता था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में दी हुई कैश बुक का एंडिंग बैलेंस है, जहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि दिया हुआ है 705। तो 705 इज बेसिकली द एंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है या मेंशन है कि हमें 705 का एंडिंग बैलेंस क्वेश्चन का हमें दिया हुआ है, कि 705 जो है वो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 705 हमने लिख लिया, यहां से मैंने उठाया है। अब हमने क्या देखनी है? अमल रिसीट्स देखनी है। रिसीट्स क्या होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती। रिसीट्स क्या है? जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती। तो हम देखते हैं 475 यहाँ क्रेडिट पे है, यहाँ डेबिट पे है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। 150 यहाँ क्रेडिट पे है, यहाँ डेबिट पे है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। 980 यहाँ क्रेडिट पे है, यहाँ डेबिट पे है, ये भी लिखा हुआ है। कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो कि यहाँ क्रेडिट पर मौजूद है बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैशबुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका मतलब है रिसीट्स हमारे क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है। अब बात किसकी करेंगे? पेमेंट्स की।
पेमेंट्स क्या होती हैं जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं होती। 102 देखिए यहाँ डेबिट पे है यहाँ क्रेडिट पे है, जी बिल्कुल है। 35 यहाँ डेबिट पे है यहाँ क्रेडिट पे है नहीं लिखा हुआ, ये बैंक चार्जेस यहाँ डेबिट पे है लेकिन क्रेडिट पर रिकॉर्ड नहीं हुए। इसी तरह चेक डिसऑनर है 150 का जो यहाँ डेबिट हुआ है बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहा, तो ये भी आएगा। 250 यहाँ डेबिट हो रहा है लेकिन वो 250 जो है वो भी यहाँ क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहा। वाई जे इलेक्ट्रिक को जो हमने पेमेंट की थी 250 की वो यहाँ पर यूटिलिटी बिल पे किया था, डेबिट साइड पर शो नहीं हो रहा। तो तीन पेमेंट हमें दी हुई है। अगर हम देखें एक जो है वो आपकी बैंक चार्जेस की है, रिसीट्स कोई भी नहीं थी। दूसरी जो है वो डिसऑनर्ड चेक था और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिक को हमने पेमेंट की है, इलेक्ट्रिक कंपनी को हमने पेमेंट की है वो लिखनी है। बैंक चार्जेस आपके 35 के हैं, 150 और वाईजे इलेक्ट्रिक को 250 हमने जो है वो पे की है। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 35, इधर डिसऑनर्ड चेक आपका आ जाएगा 150, इलेक्ट्रिक कंपनी आपका आ जाएगा 250। ठीक है जी, अब हम टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का क्योंकि और रिसीट्स और पेमेंट्स में और तो कोई बचती ही नहीं है, हमने सारी रिकॉर्ड कर ली है। मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, टोटल तो सारी बात है 705 ही आएगा, ऑब्वियसली उसमें तो कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा, इट विल बी द सेम एज 705। I'm going to write over here 705, वही हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 705 और 705 में से हम माइनस कर देंगे 35 माइनस 150 माइनस 250 आपका 270 आ जाएगा, विच इज योर कैरिड डाउन आ जाएगा जी, बैलेंस कैरी डाउन। वो हम नेक्स्ट ईयर की डेबिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और वही बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहां पर आगे लेके जाते थे, पहले बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते थे 270, और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो इसमें हम क्या कर देते थे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये डेबिट बैलेंस है तो हम लिखते थे यहां पर 270, इसमें हम ऐड कर देते थे अनप्रेजेंटेड चेक्स, जो हमारा नॉर्मल वे था, यानी डबल बैलेंस मेथड की बात कर रहा हूं, और हम इसमें से लेस कर देते थे नॉट क्रेडिटेड चेक्स। तो देखिए सवाल में एनपी जो है जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो क्या होते हैं जी, जो चीजें देखें कैश बुक में क्रेडिट हुई है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुई। तो देखें हुसना 102 यहाँ क्रेडिट पे है यहाँ डेबिट पे है लिखा हुआ है, 849 यहाँ क्रेडिट पे है, यंग स्टोर को पेमेंट की थी लेकिन वो यहाँ डेबिट साइड में मौजूद नहीं है, लैम को 364 की हमने पेमेंट की थी लेकिन वो यहाँ डेबिट पर मौजूद नहीं है, 500 एक्स वीरा को हमने पेमेंट की थी 500 की लेकिन वो डेबिट साइड में मौजूद नहीं है। तो तीन आपको नॉट प्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए, यंग स्टोर, लैम और एक्स वीरा। तो मैं लिखता हूं, देखिए कैसे मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, यंग स्टोर आ जाएगा, नेम आ जाएगा और एक्स वीरा जो है वो आ जाएगा, और इनकी अमाउंट कितनी कितनी है वो देख लेते हैं। ये है 849, 364 और 500। तो मैं इनर कॉलम में पहले लिख लेता हूं 849। अभी सवाल आपने साथ साथ यहां से सॉल्व नहीं करना, क्यों वो इसकी बाद में बताऊंगा। आपने कैश बुक जो बनानी थी वो तो बना ली है, वो चाहे लिख लें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन अभी आपने सॉल्व नहीं करना। कौन से वाला, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला, इसके टोटल को हम क्या कर देंगे जी, जस्ट गिव मी वन मिनट, हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी, और लेस कर देंगे हम एनसी, उसकी जगह थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर लिख दूंगा इस जगह पे, आपने तो पूरा लिखना ही होगा ना अनक्रेडिटेड चेक्स, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन, हम इसको इस तरीके से भी चेकअप कर सकते हैं। तो
देखें, अब एनसी क्या होते हैं, जो कैश बुक में डेबिट हुए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुए, तो हम देखते हैं 475 यहाँ डेबिट पे है या क्रेडिट पे है, 150 यहाँ डेबिट पे है या क्रेडिट पे है, 980 यहाँ डेबिट पे है लेकिन यहाँ क्रेडिट पर रिकॉर्ड नहीं है, वो 900 है। डेजी सप्लाइज को हमने 980 का चेक इशू किया था, तो जेजी सप्लाइज को हमने पेमेंट कर दिए कितनी, 980 लिखा हुआ शायद, ये पे कर दिए मेरे ख्याल है। 625 सैमसंग को हमने पेमेंट करनी थी लेकिन वो आपने अभी तक पे नहीं की, 625। हाँ ये 980 ही है बेटा, थोड़ा मिटा हुआ है, 980 है, तो 625 है जो कि आपके नॉट क्रेडिटेड होंगे सैमसंग के हैं। और ये आ जाएंगे कितने के हैं, एक दोबारा मैं देख लूं, 625 टोटल कर लेता हूं पहले उसका, 849 प्लस 364 प्लस 500 ये आ जाएगा जी 1713 टोटल इसका जो है 1713, वो मैं ऐड कर दूंगा 270 में, ये आ जाएगा 1983 टोटल लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो मुझे, 1983 और उसमें से जो एनसी है 625 की वो मैं माइनस कर दूंगा, 625 माइनस 625 आ जाएगा 1983 माइनस 625 आ जाएगा 1358। अब ये जो आंसर मेरा निकला है ये बैंक स्टेटमेंट के बराबर, आंसर के बराबर जो है वो आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि बराबर जो है वो आता है कि नहीं आता। देखें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 1358 क्रेडिट दिया हुआ है, ये देखिए नीचे हमने वही बैलेंस निकाल लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर, हमने गलत वाला बैलेंस निकाल लिया किसका, बैंक स्टेटमेंट का। लेकिन ये सवाल अमल इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ये तुमने निकाल लिया लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्यों, अब उसकी तरफ हम चलते हैं, वो इसलिए इस क्वेश्चन में ये 1358 आ जाएगा ना आपका, इस क्वेश्चन में उसने डबल बैलेंस मेथड यूज की है, यानी कि कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक करेंगे, बैंक वाले अपनी गलतियां ठीक करेंगे, कैसे, हम स्टार्ट करेंगे बैंक के बैलेंस से, कैसे, ये देखें कैश बुक बना ली हमने, बना ली, अब स्टार्ट किससे हो रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से 1358 से हमने स्टार्ट करना है, तो हमने 270 से स्टार्ट नहीं करना, हमने जो आंसर निकाला या जो क्वेश्चन में दिया हुआ बैंक का बैलेंस उससे स्टार्ट लेना है। सर कौन सा बैलेंस, ये जो दिया हुआ बैंक का बैलेंस बेटा, ये 1358 क्रेडिट हमने इससे स्टार्ट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं दिया हुआ, हम उसको यूज करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के नाम से, और उसमें क्या होता है आपके फार्मूले में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और वो चेंज बहुत ही आसान है, क्या चेंज है मैंने वो आपको बताया हुआ है कि अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हो किसी का भी, देखिये यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, बैलेंस एज पर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है ना आपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट क्या है जी, हमारा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था कितना था जी, वो था 1538, मैं देख लूं दोबारा 1358 सॉरी 1358 ये बैलेंस था। अब इसमें एनपी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो एनपी बेटा माइनस होंगे, रिवर्स हो जाएगा और एनसी ऐड होंगे, ये जो दी हुई अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, ये लेस होगा, और ये जो अमाउंट होगी दी हुई ये क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, तो देखें क्या होता है हमारा आंसर क्या आता है, 1358 ठीक है जी माइनस 1713 और प्लस 625, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो कि दोनों का सेम आंसर क्लोजिंग बराबर आ गया, यानी कि 270 ये आपका निकला है बैलेंस किसका, कैश बुक का, जो कि दोनों का क्या हो गया बराबर हो गया, कैश बुक और ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे डेबिट आ जाएगा। अब देख रहे हैं कैश बुक का भी वही बैलेंस निकल रहा है, तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है जो कि हमारा कैश बुक के बराबर आ रहा है, यानी कि ये बैलेंस और ये बैलेंस आपस में सेम आ जाएंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में डबल बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, बैंक वाले अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है कैरिड डाउन, इस तरह
कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं और उनका आंसर भी वही आ रहा है जो कैश बुक का निकल रहा है, यानी कि 270। तो ये है मेथड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का। अगर आप गौर करें तो इसमें चेंज ये आया है, मैंने पहले दूसरे तरीके सॉल्व करके दिखाया अमल आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको ये याद रहे या पता चले कि हमने पहले किस तरीके से सॉल्व करते चले आ रहे थे हम। इस क्वेश्चन में हमने डबल बैलेंस मेथड यूज किया है। क्यों पता चला सर आपको, कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने कैश बुक देखी तो वो तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट नहीं करना। इसका मतलब है डबल बैलेंस मेथड का क्वेश्चन है। इस तरह नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन है जो आपने घर में कंप्लीट करना है, उसमें भी देखें कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है, 469 से जो उसका बैलेंस दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का, ये तो कैश बुक को अपडेट करेंगे या आपने घर में करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87110 May-June 2021 का क्वेश्चन है, या आप घर में इसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि आपको अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हो तो आप किस तरीके से उसको टेकअप करेंगे। अब हम जो आगे चल रहे हैं, अब हम जो है वो रनिंग बैलेंस फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। इस तरह ये भी क्वेश्चन करना है आपने, ये May-June 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है वो सॉल्व करें। क्वेश्चन में 11 भी इसी किस्म का है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, इसको भी देखता हूं मैं अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे हम। और आगे तो खैर डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, कैश बुक के, सेल जनरल के। इसमें कैश बुक आपने बनानी है, ग्रिप अकाउंट बनाना है, आगे ये सारे क्वेश्चन जो है वो कैश बुक के स्टार्ट हो गए हैं। तो उसको भी, उनको भी हम जो है वो टेकअप करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी। साथ में BRS भी साथ बनेगी हमारी, बैंक रिकॉन्सिलेशन भी साथ हमारी चैप्टर के साथ है। असल में IGCSE के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और कैश बुक का क्वेश्चन कंबाइन आता है। IGCSE के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और कैश बुक के क्वेश्चन कंबाइन आते हैं, वो अलग अलग नहीं आते हैं, वो इकट्ठे करके क्वेश्चन देता है। इसलिए आपको कैश बुक भी नजर आ रही है इसके अंदर, आपको इसके अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन नजर आएगा। तो हम कैश बुक को भी पढ़ेंगे और हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर जो कि IGCSE या रिसेंटली पेपर्स में आए हुए रिसेंट क्वेश्चंस हैं पेपर में, उससे कैश बुक भी बनानी हमें आ जाएगी और हम IGCSE को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे या कर सकेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि अब कैसे, अब आती है हमारी स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की एरर्स दिए होंगे, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में मतलब ये है कि आपको एरर्स इंग्लिश प्रॉपर लिखकर सेंटेंस में दिए होंगे, आपको कैश बुक बना के क्वेश्चन में नहीं दी हुई, आपको बैंक स्टेटमेंट बनी हुई क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ के अंदाजा लगाना है कि क्या ये हमारे NP हैं, NC हैं, रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं। चीजें तो जा रही हैं, या रिसीट्स और पेमेंट्स हैं या NP और NC हैं, लेकिन अब क्या है, अब हमने स्टेटमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगाना है कि हमारे ये रिसीट्स या पेमेंट्स की गलती है या हमारे NP और NC की गलती है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहेगा, दैट विल रिमेन द सेम, उसमें कोई नई चीज शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वैसे का वैसे रहेगा, उसमें आपको कोई रद्दोबदल या कोई एडिशन या कोई नई चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जो कि अक्टूबर नवम्बर 1621 में आया हुआ है ओ लेवल्स के अंदर, अक्टूबर नवंबर 16, ठीक है जी, 21 वेरिएंट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ऑन 30th September द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गैबी वाज 450 डेबिट। देखिए कैश बुक का, बैंक अकाउंट का मतलब कैश अकाउंट होता है बेटा, बैंक अकाउंट का मतलब है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बैंक अकाउंट का मतलब है कैश बुक का बैंक कॉलम, सब एक ही बात है। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 450। मैंने देखे कैश बुक डेबिट शीट पर लिख भी लिया बैंक अकाउंट, ठीक है जी, 450 डेबिट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
में ये मेरी अपडेटेड कैश बुक ही बनने जा रही है। एक्चुअली मैं वही बना रहा हूँ, रिवाइज कैश बुक या अपडेटेड कैश बुक एक ही है, उसी को बैंक अकाउंट ही कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ बैंक कॉलम की तो हम लेते हैं, हम कैश कॉलम को या डिस्काउंट कॉलम को तो इग्नोर कर देते हैं कैश बुक की। आगे जाके हम कैश बुक बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, और स्टेटमेंट भी साथ साथ हमारी चलेगी। तो ब्रॉट डाउन बैलेंस में यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारा कितना दिया है जी 450 डेबिट आपको दिया, देखते हैं हम सॉल्व करते हैं आगे। 450 डेबिट है तो मैं पढ़ता हूँ, कहते जी गैबी रिसीव्ड बैंक स्टेटमेंट फॉर सितंबर 2016, द डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द बैंक स्टेटमेंट वर एज फॉलोस। डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द बैंक स्टेटमेंट वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक फॉर $50 पेड टू जे सिम्पसन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसकी ट्रांसलेशन में आपको समझाता हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। एक चेक जो हमने इश्यू किया था $50 का जे सिम्पसन को पेमेंट करने के लिए, वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि बैंक वालों ने उसकी पेमेंट अभी तक अदा नहीं की, यानी बैंक ने पेमेंट नहीं की। तो बैंक ने अगर पेमेंट नहीं की तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक द पेमेंट। आपको पेमेंट जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि चेक फॉर 50 पेड टू जे जिम्सन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं बेटा। तो मैं लिख लेता हूं ताकि मुझे फ्यूचर में सॉल्व करने के लिए याद रहे कि बेसिकली ये मेरे एनपी हैं। फिर बैंक चार्जेस ऑफ 230 हैव बीन चार्ज्ड टू गैबीज अकाउंट बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन गैबीज बुक्स, यानी गैबी ने खुद रिकॉर्ड नहीं किया। तो गैबीज बुक्स का मतलब क्या है, हमारी बुक में। हमारी बुक कौन सी है, कैश बुक, यानी हमने ये बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हुए। ये हमारे क्या बन रहे हैं जी, बिल्कुल इसका इफेक्ट हमारे क्या बनेंगे, ये हमारी बेसिकली पेमेंट है, बैंक चार्जेस पेमेंट ही तो होती है। फिर बैंक रिसीव्ड डिविडेंड पेमेंट ऑफ 120 बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन गैबीज बुक्स, ये भी गैबीज की बुक्स में हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये है क्या है, रिसीट, क्योंकि डिविडेंड आपने रिसीव किया है, बैंक ने तो बैंक स्टेटमेंट में डिविडेंड रिसीव करके क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पर उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो ये डिविडेंड के तौर पर आ जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम केसला 860 वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये चेक रिसीव किया था हमने केसला से लेकिन अभी तक हमने बैंक स्टेटमेंट में उसे शो नहीं किया, यानी बैंक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, गलती किसकी है, बैंक की। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे बेटा, ये नॉट क्रेडिटेड चेक्स है। सर आपको कैसे पता चलता है कि ये नॉट क्रेडिटेड है, ये नॉट प्रेजेंटेड है? बेटा जो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स होते हैं ना, वो पेमेंट के लिए इशू करते हैं, जिस बंदे को पैसे देने होते हैं उसको अदा करते हैं कि जाओ बैंक से पैसे ले लो, लेकिन बैंक वाले पेमेंट नहीं करते तो वो कहलाते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, जो कि नंबर वन केस में है। नंबर फोर में है चेक रिसीव फ्रॉम केसला 860 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, ये हमने चेक रिसीव किया था केसला से, यानी इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं आपको, लेकिन हमने वो चेक अभी तक बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे, या नॉट क्रेडिटेड के नाम से हम इसको वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मैंने आपको बात समझाई जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व है वो देखते हैं जी। अब हम आगे मजीद इससे अब हम बनाते हैं, हमने कैश बुक बनानी है, सारी बात है तो मैं उसको बनाऊंगा, सब चीजें तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो पहले यहाँ पे क्या आएंगे जी, बैंक चार्जेस हैं, पेमेंट है 230 की, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑब्वियसली। तो मैं क्रेडिट साइड पर लिख लूंगा बैंक चार्जेस, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कैश बुक बना के नहीं दी हुई इस दफा, आपने डायरेक्टली बनानी है स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट दी हुई है तो स्टेटमेंट से आपने समझना है कि बैंक चार्जेस आपकी पेमेंट है, डिविडेंड आपकी रिसीट है जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन आपने कैश बुक में अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो आपका आ जाएगा उसके बाद क्या है जी। अब आप बस ये दो चीजें ही थी, अब आपके नॉट प्रेजेंटेड और नॉट क्रेडिटेड चेक्स आने हैं, तो हम इसका जो है वो टोटल कर लेते हैं। और 50 और 120 आप कितने बन जाएंगे जी, 570 से माइनस कर देंगे आप 230, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा माइनस 230, 340 आपका आ जाएगा, कैरी डाउन
वो आपको बन जाएगा ब्रॉट डाउन यानी कि नेक्स्ट। उसके बाद हमने बनाती है बनानी है क्या बना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो हम अब बनाते हैं क्योंकि बीएनएस भी तो आपने बनानी बनानी है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे आपको पता है उसमें नॉट प्रेजेंटर नॉट क्रेडिट चेक्स ही आते हैं क्योंकि वहां पे मैंने वो नंबर लिखे हुए उसके, तो इसलिए मैं नीचे बना लेता हूँ। हम डॉलर के साइन लगा लेंगे, इधर आ जाएगा जी आपका। अब ये तो नॉर्मल तरीके से बनानी है ना, मैंने मुझे जरूरत नहीं है कि मैं स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से करूं क्योंकि उसने क्वेश्चन में नहीं कहा, तो मैं कैश बुक के बैलेंस से ही स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 340 का। अब डेबिट बैलेंस होगा चाहे जिसका मर्जी हो, उसमें क्या कर देते हैं हम बेटा, ऐड कर देते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और लेस कर देते हैं हम नॉट क्रेडिटेड चेक्स। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, क्योंकि ऑपोजिट होता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस हम उसमें लिख देंगे। देखते हैं अभी, देखें अब आपकी नॉट प्रेजेंटेड चेक्स जो है वो कितने के एनपी, एनपी ये दिए हुए चेक फॉर 50 पेड टू जे जेम्सन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने उसकी पेमेंट अभी तक बैंक वालों ने अदा नहीं की, तो 50 आपका इधर आ जाएगा ऐड हो जाएंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स 50 के ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। That will come 390 less कर देंगे नॉट क्रेडिटेड चेक्स वो कितने जी आपके 860 के, इसमें से लेस कर देंगे हम 860। ये तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो फिर क्या होता है जी, बिल्कुल बैलेंस दोनों सेम हो जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ बैलेंस जो निकलेगा वो बैंक स्टेटमेंट का तो बैलेंस निकलेगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन ऊपर अगर डेबिट है तो नीचे भी डेबिट ही आएगा, डेबिट है नीचे भी डेबिट ही आ जाएगा, वो हम अभी निकाल के देखते हैं क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना आंसर, इसलिए आपको दोनों बैलेंस हमारे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट आएगा, डेबिट का मतलब क्या होता है एडवर्स यानी कि नेगेटिव बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, डेबिट आएगा 390 माइनस 860 ये 470 नेगेटिव आपका बैलेंस आ जाएगा, आपका बैलेंस सेम हो जाएगा। हालांकि आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट लिखना था लेकिन अब आप डेबिट ही लिखेंगे, और क्वेश्चन में भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो हमें दिया नहीं हुआ, वैसे दिया होता तो मैं निकालता ऊपर, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो दिया नहीं हुआ हमें कि हम आंसर चेक कर सके, तो इस क्वेश्चन में आंसर आप चेक नहीं कर सकते, बस आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट देंगे, उसने आगे बताया नहीं हुआ तो वो डेबिट ही आना है। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सवाल, हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ये हमने आज जो है वो डिस्कस किया कि हम इस पैटर्न पर इसको सॉल्व करेंगे, स्पेशली जब स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन में दी हो। ये बताइए इसमें मसला है तो बताइए, मुझे समझ आ गई है अमन? यस सर समझ आ गई है। हाँ जी, तो स्टेटमेंट फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपका सवाल उठता है कि सर पेपर में क्या आती है, पेपर में 99% कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बना के दी होती है, स्टेटमेंट फॉर्म नहीं दी होती। ये 2016 में जो क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है इसके बाद से स्टेटमेंट फॉर्म आना शुरू हुई है, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इस दफा क्या आएगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का सवाल, शायद मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकूं, सिवाय इस ये कहने के कि बैंक रिकॉन्सिलेशन का सवाल इस दफा पेपर में आ सकता है, मई जून अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन वो दोनों फॉर्म में आ सकता है, इसलिए। और कैश बुक का सवाल भी इस दफा इंपॉर्टेंट है, पेटी कैश बुक का क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है इस दफा के हिसाब से, तो उसको भी आपने कंसिडर जो है वो करना है, लेकिन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का चैप्टर इस दफा इम्पोर्टेंट है। इस तरह पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है, कंपनी अकाउंट्स इम्पोर्टेंट है इस दफा के हिसाब से कह रहा हूँ, सोल ट्रेडर इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, और क्या कहते हैं उसे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है इस दफा, यानी ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। एरर का सवाल हमेशा ही आता है पेपर के अंदर, एरर एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, आपको आइडिया भी होगा उसका सवाल पेपर में तकरीबन मस्ट आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने घर में से किसका करना है, यानी जो मैंने करवाया है उससे नेक्स्ट भी और उससे पिछला भी डबल आंसर में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
ये आपके सामने है, आपने कैश बुक बनानी है और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। तो मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं, मेरा ख्याल इतना ही काफी है आज के लिए। व्हाई इट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू दिस क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सारे कर लिए हैं और आप घर में आपने जो क्वेश्चन करने हैं मैं बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वाला जो सामने नजर आ रहा है, एक तो लंबे नंबर सेम हो गए, अगले का सवाल भी 11 ही डाल दिया, नहीं वो 12 है, ठीक है 11 करेंगी आप, और ये तो मैंने करवा दिया ना 10, और एक आपने करना है 9, मैंने करवा दिया 9, तो मैंने करवा दिया 8 करेंगे आप, 8 है ठीक है जी, 8 करेंगी और 9 मैंने करवा दिए और 11 करेंगी, 10 मेरे ख्याल शायद उसका लिखा ही नहीं हुआ उसने, ये देखो ना ये 9 है और 10 मेरे ख्याल है, ये भी 9 है, 10 मेरे ख्याल है ही नहीं, 10 है ये, 10 मैंने करवा दिया है ना, ठीक है 11 और 8 आपने करना है, बिकॉज 9 मैंने करवाया 10 भी, ये सवाल आपने करने, लेकिन आपने कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो ये दिए हैं आपको प्रैक्टिकल बेस वाले, ये आपने नहीं करने, क्योंकि ये मैं भी आपको मजीद सॉल्व करवाऊंगा तो उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो। अभी जो कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट बना के दी हुई है उसको ही आपने सॉल्व करना है। अब उसमें कुछ चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें इस सवाल में, जरा मिटा दूं उसको और फिर बताता हूँ। क्वेश्चन में कैशबुक पहले से बनी हुई है तो आपने कैशबुक दोबारा नहीं बनानी, इसको कंप्लीट ही करना है। कंप्लीट सर कैसे करेंगे, जैसे पहले करते थे वो सर कैसे, भाई बैंक बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ 650, बैंक स्टेटमेंट का भी दिया हुआ 650, तो बराबर ही था ना शुरू में। तो उसके बाद क्या हुआ, रिसीट्स रिकॉर्ड करनी है, वो क्या होती है जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुई है और कैशबुक में डेबिट नहीं हुई, 1500 यहाँ क्रेडिट है या डेबिट है, 130 यहाँ क्रेडिट है या डेबिट है, नहीं है तो क्रेडिट ट्रांसफर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कितना 130, मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम ना है, ये 130 इधर आ जाएगा। फिर क्या है जी, पेमेंट्स तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई है लेकिन कैशबुक में क्रेडिट नहीं हुई, 730 यहाँ डेबिट हुआ यहाँ क्रेडिट हुआ है, 12 यहाँ डेबिट हुआ यहाँ क्रेडिट हुआ है, नहीं तो 12 में क्या करूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से कितना आ जाएगा 12, बस इसका टोटल कर दूंगा, कर नहीं रहा मैं चाहूंगा आप खुद करेंगी, टोटल कर दूंगा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा जो मुझे आगे BRS में लेके जाना है, जो मुझे आगे BRS में लेके जाना है, आई विल बी एबल टू फाइंड दैट बैलेंस जो मैं BRS में आगे लेके जाऊंगा। ये आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा बैलेंस का 376, भी टोटल आप लिख लेंगी 376 और माइनस कर देंगे हम जो है वो क्रेडिट साइड है 1559 आपका आ जाएगा यहाँ पे कैरी डाउन बैलेंस 1559, उससे आप आगे BRS स्टार्ट करेंगी, उससे आगे आपने BRS बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है ना, इस बैलेंस को लेके जाएंगे आगे और आगे आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने डबल बैलेंस मेथड के फॉर्म से बनानी है, कैसे सर ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें नीचे कहां से, अच्छा नहीं नहीं इसमें नॉर्मल ही है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है तो इसमें नॉर्मल ही है, आप इसी बैलेंस से स्टार्ट कर लेंगे और आप इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें सिंपल है कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1559 में डेबिट बैलेंस है ना तो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स ऐड हो जाएंगे, नॉट प्रेजेंटेड क्या होते हैं जो हमारे कैशबुक में क्रेडिट हुए हैं, 75 ऐड कर देंगे हम कैशबुक में क्रेडिट हुए हैं बैंक में डेबिट नहीं हुए, और 96 जो यहाँ डेबिट हुआ वहां क्रेडिट नहीं हुआ वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1538 जो कि बैंक स्टेटमेंट का आपका आंसर निकल आएगा। दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप घर में कंप्लीट करेंगी 7 और आप करेंगी जी ये 8, तो मेरे ख्याल मैंने ये 8 भी 8 करेंगी आप 7, 8 ये मेरे ख्याल 9 मैंने करवा दी है
सेवन एट और इलेवन है जो आपने करना है, ये भी मैंने करवा दिया। सेवन एट और इलेवन जो है वो आपने बेसिकली सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। कोई समझ आ गई, कोई मसला तो बताओ। ओके अमन, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अभी दो सवाल आपने कर लेने, क्योंकि अब जो अगले क्लास हम करेंगे उसके अंदर मैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट खत्म कर दूंगा, तो उसके बाद में कैश बुक जो है वो स्टार्ट करनी है। और वो कैश बुक जो है वो ओ लेवल्स में सिंपल कैश बुक अलग आती थी, अब ऐसे नहीं होगा। कैश बुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का सवाल मर्ज होकर आ सकता है, क्योंकि आईजीसीएसई में आता है इस तरह से, तो उसको हम अब टेकअप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।